इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना मरीजों की तादाद अब 5 लाख के करीब पहुंच रही है, मरने वालों की तादाद भी हजारों में बढ़ चुकी है। लिहाजा रियासती यूरोपा हुकूमत की जानिब से बरोज पीर से 15 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन करने का फैसला लिया जा रहा है। हो सकता है कि शाम तक वो ऐलान भी करे। इस सख्त लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की बात कही जा रही है। अब यह भी कहा जा रहा है कि सिवाय अस्पताल मेडिकल के तमाम शोबों को बंद कर दिया जाएगा, यहां तक कि होटल से पार्सल भी बंद रहे। गरीब जो सड़कों पर भले ही सुबह 2 घंटे बैठकर सब्जी फ्रूट बेच रहा था, अब इसे भी बंद कर दिया जाएगा। कुछ नेताओं ने मशवरा करके यह फैसला लिया कि कोरोना मरीजों की तादाद बहुत बढ़ रही है, लिहाजा अब बंद ही किया जाए। पर हमने पिछले मर्तबा भी पूछा था और यह सवाल भी फिर से पूछ रहे हैं कि कभी आपने उन गरीब मजदूर सड़क पर कारोबार करने वालों से कभी इसकी राय ली है? उस गरीब का सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि आपने गरीबों को ही खत्म करने का फैसला लिया है। अगर आप इस तस्वीर को देख ले, इस वीडियो को देख ले, यहां हमारे शायबा और शोएब ने भेजा है, यह तस्वीर बहुत कुछ बयान करती है। यह बेलगाम शहर की है, किसी और शहर की नहीं है। बेलगाम शहर सब्जी मार्केट जो फोर्ट रोड के करीब है, जो अभी शिफ्ट हुआ है एपीएमसी, पहले जहां पर था, एक गरीब जो है पड़ा गिरा हुआ खाना जो है, सड़क पर गिरा हुआ खाना जो खा रहा है वो, इस तरह के हालात अब बनते जा रहे। मरीज बढ़ रहे हैं, मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। वैसे भी अब सरकार के पास या मोदी हुकूमत के पास कुछ बचा नहीं है। आप हर शोबे में नाकाम हो चुके हैं। आप में जर्रा बराबर भी शर्म हया बची हो तो मोदी हुकूमत को और यूरोपा हुकूमत को इस्तीफा देना चाहिए। वैसे भी मोदी इस्तीफा दो के नारे बुलंद हो ही रहे हैं, रिजाइन मोदी हैशटैग ट्रेंडिंग भी चल रहा है। आपके पास एक ही काम बचा है कि फिर से आप हिंदू मुस्लिम ही कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम किया जाए। और यही काम अब तेजस्वी सूर्या जैसा बेशर्म एमपी कर रहे हैं। अगर बेड ब्लॉकिंग स्कैम हुआ है तो इसके लिए भाजपा यानी तुम्हारी ही सरकार जिम्मेदार है। पर आपको यहां बेड ब्लॉकिंग स्कैम को मंजर आम पर लाना नहीं था, बल्कि आपको हिंदू मुस्लिम का जहर इसी के जरिए घोलना था जो तुम पहले से करते आए हो। बीबीएमपी कोविड वार रूम में 200 से भी ज्यादा डॉक्टर्स हैं जिनमें हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। मिलजुल कर जो आपदा, जो मुश्किल देश और रियासत पर आई हुई है, इसके लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वहां जाकर 200 से भी ज्यादा डॉक्टरों को छोड़कर महज 17 मुस्लिम डॉक्टर्स का नाम लेकर इन्हें दहशतगर्द और न जाने क्या क्या अलकाब से नवाजने की कोशिश इसी घटिया तेजस्वी सूर्या ने की है। तमाम मुस्लिम नामों को गिनाकर क्या इस कोविड सेंटर को मदरसा बना दिया, ऐसा भी कहा जा रहा था। और यह जान बूझ कर मीडिया के सामने किया गया ताकि घटिया दो कौड़ी के अंधभक्त फिर से खुशी से उछल जाए कि कितना बड़ा काम हिंदुओं के लिए हिंदुओं के लीडर तेजस्वी सूर्या ने किया। तेजस्वी खुद भाजपा का एमपी है और रियासत में भाजपा की ही हुकूमत है। हासिल इत्तला के मुताबिक बेड ब्लॉकिंग स्कैम में जिन लोगों का हाथ है, इसमें भाजपा के ही लोग होने की बात सामने आ रही है। यानी चोरी ऊपर सीना चोरी वाला मामला। और वैसे भी अगर कोई इस तरह किसी स्कैम में मुलविस है तो फौरी तौर पर कार्रवाई करके इन्हें जेल भेज दिया जाए। हुकूमत तो आप ही की है, अब तो असल मुजरिमों पर कार्रवाई नहीं हुई, पर उन 17 मुस्लिम डॉक्टर्स पर कार्रवाई कर इन्हें नौकरी से निकाला गया। डॉक्टरों पर आखिर किस बुनियाद पर कार्रवाई की गई, इसकी भी तहकीक होनी चाहिए। और तेजस्वी जैसे नफरती चिंटुओं पर, नफरती कीड़ों पर कानूनी कार्रवाई कर सख्त सजा का मुतालबा भी बहुत जरूरी है। वरना आज हर जगह पर मुसलमान मुलाजमत करते रहते, अगर ऐसे नफरती कीड़े मकोड़े हर जगह पर एतराज करने लगे और इन्हें नौकरी से निकाला जाने लगा तो फिर क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस मुल्क की जमहूरियत का और इस मुल्क के आइन का? हम सब खामोश रहे तो माशरे में फिर से जहर घोल कर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश ये नफरती चिंटू करते हैं और ये इससे बाज नहीं आएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह बीबीएमपी वार रूम में जाकर मुस्लिम नफरत का मुजाहरा किया जा रहा है। इस पर भी मुकदमा दायर करने की कोई जरूरत है, इस पर भी मुकदमा दायर करें कि कोविड रूम में जाकर जो खिलाफ वर्जी यानी कि कोविड गाइडलाइन की जो खिलाफ वर्जी इस तेजस्वी सूर्या ने की है, सोशल डिस्टेंसिंग न करते हुए, इस पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। तेजस्वी नाम शायद इसकी मां ने कुछ अच्छा सोचकर इसका नाम तेजस्वी रखा होगा, पर यह समाज में नफरत फैलाने वाला कीड़ा साबित हो रहा है।
दिल्ली और बंगाल में भी इन्होंने ऐसी ही कोशिश की थी। लिहाजा पहले दिल्ली में चुनाव हारने के बाद फसाद बर्पा किया था जिसमें 60 बेगुनाहों की जान चली गई थी। इसी तरह बंगाल में भी हारने के बाद ये नफरती चिंटू बौखला कर फसाद की कोशिश जारी रखी है। अब तक 15 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई और यही काम इस नफरती गिरोह का है। अब गिरती साख और जलील और ख्वार होने के बाद मंसूबों की नाकामी को फसाद यानी खून खराब से अपनी प्यास बुझाने का इनका जो मनपसंद मशगला रहा है, आप हमेशा देखना इन्हें खून खराबा, नफरत, लाशें, मौतें, जलती आग, यही देखने में इन्हें मजा आता है। आपको वजीर दाखिला अमित शाह से लेकर कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर कर्नाटक की तेजस्वी या फिर कंगना जैसे घटिया सोचो फिक्र के अदाकारा जो महज नफरत ही बांटने का काम करती है, शायद इस नफरत के जरिए कुछ हासिल करना चाहती है, वो सियासी मैदान में कुछ अपना नाम कमाना चाहती है, लेकिन यही नफरत के जो ये कीड़े मकोड़े जो आज भरे पड़े हुए और यही ये जो अंधभक्त बार बार उछल उछल कर बाहर आते रहते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जरूरत है। मुस्लिम दुश्मनी के ट्वीट को लेकर कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यह भी देखा जा रहा है कि जो भी चल रहा है भाजपा या इन नफरती कीड़ों की जानिब से खेली जा रही जो चाल है ये भी देखी जा रही कि ये चाल हमेशा इनकी उल्टी होती ही नजर आ रही है। अगर मुसलमानों की बात करें तो यह एकमात्र ऐसा समाज है जहाँ हमेशा भाईचारे की मिसाल कायम करने में लगा हुआ है। अब तो कई हिंदू भाइयों को भी इसका एहसास हो रहा होगा, कभी मजदूर पैदल चलने लगते हैं तो इनके पाँव में जूते लेकर पानी पिलाने खिलाने तक की खिदमत बिना किसी तफरके के अंजाम देते रहते हैं, वो यही समाज है। अब जब कोरोना में सैकड़ों लोगों की जान जा रही है, यही वो कौम है जिन्हें पंचर वाला कहकर हिकारत से देखने की आदत पड़ी हुई थी, यही हर मैदान में आपको नजर आएंगे। नफरती चिंटू तो मौत के डर से मैदान से भाग चुके हैं। ऐसी कई लाशें हैं जो लावारिस पड़ी हुई है, या फिर हिंदू भाई बहनों की जिन्हें चिता देने के लिए ना कोई समाज का जिम्मेदार आ रहा है और ना घर वाले आगे आकर, ऐसे वक्त में आज भी यही वो समाज है जो आपको शमशान और कब्रिस्तान में नजर आएगा। बहरहाल कोरोना ने हिंदू मुसलमानों के दरमियान की दूरी को कम की है जो इन्हीं नफरती कीड़ों ने फैलाई थी। ऑक्सीजन की कमी है पर यहाँ पर भी यही समाज जान माल को सर्व करते दिखाई देगा। कहने का मतलब अब वक्त आ गया है कि जिस तरह बंगाल में पिछवाड़े पर लट बजाए गए उसी तरह ऐसे नफरतियों की दुकानों को दिगर रियासतों में बंद करने की जरूरत है, वरना इस भाईचारे की फिजाएं जो आज आम हो रही है इससे इन्हें तकलीफ हो रही है। दरअसल कोरोना मरीजों को सांस लेने की तकलीफ हो रही है पर इन नफरती और दो कौड़ी के भक्तों को भाईचारे से इनकी सांसें अटकती रहती है। जरूरत है ऐसे मुश्किल घड़ी में, मुश्किल वक्त में सभी धर्म जात पात की तमाम दीवारों को गिराकर मोहब्बत आमन भाईचारे के पैगाम को आम करना होगा। मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है, यकीनन हुकूमतों की गलत नीतियां गलत पॉलिसियां ही इस कोरोना को लेकर संजीदगी की बजाय अपना वक्त नफरती कामों में सर्फ करना, चुनावी इजलासों में लाखों की भीड़ इकट्ठा करना, किसी हाल में चुनाव जीतने की जिद ने भारत को मुसीबतों की दलदल में धकेल दिया। अब आवाम को फैसला करना है कि ऐसे नफरती कीड़ों को इख्तदार से इन्हें उतार कर बेहतर खूबसूरत भारत बनाने की कोशिश करें, वरना इस देश को यह नफरती खंडहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।